गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवप्रिया झा सर के साथ यूपीएससी अड्डा चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका सेशन साइंस का शुरू होने जा रहा है सर, ऑब्जेक्टिव सेशन है, और बढ़िए जरा ऑब्जेक्टिव सेशन की ओर बढ़ा जाए। और जितनी जगह आप लोग एक्टिव हैं एक बार लाइक शेयर कर डालिएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद अपने सेशन को शुरू किया जाना चाहिए। यस, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप बच्चों को बता देना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो ये है सर कि आपका अपना बाहुबली, आप सभी जानते हैं कि सर बाहुबली जो सुपर आपका बैच है, ये बाहुबली बैच आपका 5 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 5 तारीख से शुरू होने जा रहे बच्चों, और काफी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन भी होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों में से भी जो लोग अभी तक नहीं नॉलेज में है कि भाई ये क्या है, इसके लिए 2 मिनट का जरा हम बता दें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है बाहुबली की सर टाइमिंग है मॉर्निंग में 11 बजे से 12 बजे तक पहला 1 घंटा, दूसरा घंटा है सर रात के 10 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहें तो 2 घंटे का रेगुलर क्लास है, और आप सभी स्टूडेंट लोग जानते हैं कि ये सुपर बैच आपका 5 मंथ का बैच है, 5 मार्च से ये शुरू होने जा रहे हैं, 5 मार्च से 5 मंथ का शुरू होने जा रहे हैं। और सुपर बैच शुरुआत इसमें साइंस और आपका हिस्ट्री से किया जाएगा, और इतने मतलब 42 लेक्चर्स आपके हिस्ट्री के रहेंगे, 42 ही लेक्चर्स आपके किसके हैं सर, 42 लेक्चर साइंस के हैं, मतलब समझिए 42 लेक्चर हिस्ट्री साइंस काफी ज्यादा है, फुल डिटेल साउथ इंडिया हिस्ट्री, इधर हिस्ट्री, वो हिस्ट्री, आफ्टर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री, वो सब यहां पर कवर होगा। आप स्टडी प्लान भी चेक कर सकते हैं, अभी 5 जून तक का आपका स्टडी प्लान लगा होगा 5 मई तक का, वैसे ये चलना है जुलाई तक, ये पूरा बैच आपका चलना है बच्चों, ठीक है। और इसके लिए आपको बता ही दिया कि क्या करेंगे सर, Y260 कोड के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाइलिंगुअल बैच है, लगभग ये Y260 कोड के बाद ये आपका लगभग कितने का सर, 1759 के आसपास का, अराउंड इतने का आपको अवेलेबल हो जाता है, और ऐप के थ्रू आने से कोड Y260 से एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। ओके, यस यस यस, हाँ ओके, सो इट विल बी शिफ्टेड राकेश जी, नो इश्यूज, इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, इवनिंग टाइम में साइंस कर लेंगे, मॉर्निंग टाइम में हिस्ट्री, देयर इज नो नीड, उसमें परेशान होने की कोई टेंशन नहीं है। आइए बच्चे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन की ओर। राकेश जी, हमने आपके प्रॉब्लम को समझ लिया, यस प्रशांत साहब, मेघा जी, राकेश जी, पीयूष साहब, सांभवी, ओके, विजया लक्ष्मी जी, सभी स्टूडेंट, ओके, ओके, राकेश, योर स्पेशल रिक्वेस्ट, यस बिल्कुल, स्विच कर देंगे, हमारे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि रात में हम लोग साइंस कर लेंगे, मॉर्निंग में टाइम में हिस्ट्री कर लेंगे, नो नीड, इसमें पैनिक होने की इतने दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन, इनमें से कौन सा कार्बन कंटेन नहीं करता है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, या नन ऑफ द अबव, ट्राई टू आंसर बच्चे 20 सेकंड, यस। गुड इवनिंग जूही जी, निशा, गुड, स्वर्णिमा, ये निशा ऑप्शन ई कहां है इसमें, जो तुम्हें ई दिख रहा है इसमें, ये बता दो ई दिख रहा कहां रहा है तुम्हें, ये बताओ, हाँ तो पहले तो आइए सर आंसर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन, किसमें कार्बन नहीं है सर, यदि आप डायमंड को देखते हैं ना, तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे बाहुबली में, तो आप ये जानेंगे कि सर यहां पर हर एक बॉन्ड ना, एक कार्बन के सारे बॉन्ड ना हर तरफ से कार्बन से घिरे पड़े हैं, हर तरफ से कार्बन से, ये कार्बन भी फिर से घिरा पड़ा है, इसका कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है, तो कार्बन है, दैट इज कार्बन, ठीक है। अब यदि ग्रेफाइट में देखें ना बच्चे, ग्रेफाइट का 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, एक तरफ बॉन्ड खाली है, ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो ये भी कार्बन से बना है, कोल आप जानते हैं कार्बन से ही बना है, तो इस तरह से बच्चों ये तीनों क्या हो जाता है, एलोट्रॉप, है ना, एलोट्रॉप कहते हैं इन तीनों को, ठीक है, हिंदी में अपरूप कहा जाता है। तो भैया ये सब में कार्बन है ना, तो नॉट कंसिस्ट ऑफ कार्बन ये पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, कार्बन से बना हुआ कौन सा है, 24 लोग लाइव हैं स्टूडेंट, एक बार लाइक शेयर के साथ 25 लोग से आगे बढ़िएगा और आगे जानते हैं जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, है ना, पहला ऑप्शन है कैल्वर, दूसरा लैक्सेन, तीसरा ग्रेफीन, चौथा स्पाइड ऑफ सिल्क, ट्राई टू आंसर, यस। गुड इवनिंग जयंती जी, बताइए, अनुभूति, ओके, स्मिता जी, यस,
स्वर्णिमा, निशा, सांभवी, अनन्या, ओके, जयंती, अंशु जी, ठीक है अनन्या, ओके। तो बढ़ते हैं, टाइमर ऑफ हो चुका है भाई, अब आंसर को देखने की बारी है। पीयूष साहब, ओके, राकेश जी, देखिए करेक्ट आंसर क्या है सर, कार्बन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, याद रखिएगा ग्राफीन, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है ग्राफीन। बाकी आपका, आप जानते हैं स्पाइडर सिल्क कार्बन ही नहीं है, इसके साथ साथ और भी कई सारे कंपाउंड रहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन, कौन सा कार्बन का फॉर्म नहीं है, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, ऑक्सीकार्बन, फुलरेंस, ट्राई टू आंसर बच्चे फास्ट स्पीड से। 27 लोग लाइव हुए प्यारे बच्चों, एक बार थोड़ा सा लाइक शेयर जल्दी जल्दी से जरा कर डालिए, हम भी आपके साथ साथ कर रहे हैं सेशन को, शेयर आप लोग भी कर डालिए भाई, आपका शेयरिंग हमारा शेयरिंग, दोनों का शेयरिंग मिलेगा तो और कुछ खास बन जाएगा ना। चलिए सर बताइए जल्दी जल्दी जरा, टाइमर अप होने वाला है और यस, चलिए आंसर देखते हैं सर कि क्या है आपके आंसर। यस, देखिए भाई सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा एडिशनल फॉर्म नहीं है कार्बन का, तो सर कौन सा एडिशनल फॉर्म नहीं है कार्बन का, आप सबको ध्यान रखना है, ऑक्सोकार्बन, ठीक है, ऑक्सोकार्बन, क्योंकि देखिए डायमंड तो आपने अभी देखा सर, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही फॉर्म है आप सब जानते हैं, फुलरेंस क्या है, फुलरेंस आपको बता दें 60 कार्बन का कंपाउंड जो आर्टिफिशियली बनाया गया है ना, 60 कार्बन कंपाउंड जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, और ये फुटबॉल के आकार का है, फुटबॉल के आकार का है, तो कहें तो ये भी है। ऑक्सोकार्बन में ऑक्सीजन एंड कार्बन आपका मिला हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन आपका मिला हुआ है, तो ये जो ऑक्सोकार्बन वाला कंपाउंड आपका है वो आपका कार्बन का एक एडिशनल फॉर्म नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पेंसिल लेड इज ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक, चारकोल या कोल, ट्राई टू आंसर। यस, 28 लोग लाइव हैं, निशा जी का है फुलरेंस क्या है, देखो निशा जब 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे, 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर है चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस चौथे पेज पर, छठे पेज पर, चौथे चैप्टर के छठे पेज पर जाओगे तो एक बॉक्स में दे रखा है बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में, बकमिंस्टर साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये डिस्कवर किया था, तो वहां से आप पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियली बनाया गया आपका कार्बन का सबसे बड़ा जो आपका फुटबॉल शेप का है, दैट इज बकमिंस्टर फुलरेंस, पूरा नाम है बकमिंस्टर फुलरेंस। चलिए अब बढ़ते हैं, पेंसिल लेड क्या है सर, ऑब्वियसली आपको याद रखना है दिस इज ग्रेफाइट, यस ग्रेफाइट है, ठीक है, और याद रखिएगा डायमंड आपका, डायमंड आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ये कुचालक होता है ना, वेरस ग्रेफाइट बच्चे सुचालक होता है, सुचालक कुचालक समझ रहे हो ना, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर वाली बात बता रहे हैं, ठीक है, अच्छे से कर लेना ये सब पॉइंट, अगले पर बढ़िए। ग्रेवल, क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बताइए, ट्राई टू आंसर। यस, हेलो जी, हम तो क्या लिखे, ये कौन से पेज पर इतनी जल्दी बोल दिया आप, अच्छा रिकॉर्डिंग में सुन लेना, काहे टेंशन ले रहे हो। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करिए बच्चे, और यार जल्दी जल्दी से एक बार जितने जितने आप लोगों के मित्र वित्र हैं थोड़ा सा यार उनको शेयर कर दो भाई, हाँ आ जाओ, 28-29 लोग बस साइंस में रहेंगे तो मजा थोड़ी आएगा, है ना। चलिए सर देखा जाए, अब आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर, देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या है, ग्रेवल, क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन गंगा, गंगा है ना, घड़ियाल होता है ना, इसी को बोलते हैं ग्रेवल्स भी, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चे, गंगा, याद रखिएगा गोदावरी वोदावरी नहीं है। विच इज एन एट्रोसियस एनिमल, पेंगुइन, व्हेल, ऑटर या टॉर्टाइस, बताए, ट्राई टू आंसर। यस, जल्दी जल्दी भाई, चलिए आपके क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों का ये भी दिया जा रहा है बार बार कि भैया ज्वाइन करो यार जल्दी, कहाँ हो, सो रहे हो, है ना,
बालकों को मुझे लगता है साइंस की इतनी ज्यादा खुशी है। चलिए ओके 33 तक पहुंचे भाई, थोड़ा और पुश करिएगा। चलिए आंसर पर आइए। और एट्रोसियस एनिमल किसको कहा जाता है सर? व्हेल। देखिए व्हेल इज द करेक्ट आंसर। अब इसको आप सब कुछ ऑप्शन बी लगा रहे हैं, कुछ ऑप्शन सी लगा रहे हैं, बट बच्चे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा लार्जेस्ट मैमल के साथ साथ आपको बताएं इसमें पॉलीफाइकोडोंट कंडीशन पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एट्रोसियस एनिमल। याद रखिए पॉलीफाइकोडोंट यानी बार बार दांत आना। आज आपका बताओ तो जाने में भी ये क्वेश्चन था आपको यदि ध्यान होगा तो। ठीक है चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेपरेट अ मैन फ्रॉम एप। एप से आपको कौन सी प्रॉपर्टी आपकी सेपरेट करती है बच्चों? ठीक है, पहला ऑप्शन है एविडेंस अ डिजायर टू लर्न बाय अ रुडिमेंटरी सेंस ऑफ अ स्मेल, कॉन्ट्रेरी थंब या बॉर्डर चिन, ब्रॉडर चिन। ट्राई टू आंसर। यस 35-36 लोग लाइव है भाई, थोड़ा और बढ़िए। 35-36 से मजा नहीं आ रहा है ना, जल्दी से जरा यार एक बार और बढ़ाओ। चलिए सर अब देखा जाए आंसर पर। चलिए 38 तक हुए भाई, जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं एक बार लाइक शेयर जरूर करते रहिए। यस निशा बिल्कुल सही, एविडेंस आ डिजायर इन्वेंस अ डिजायर टू लर्न, बिल्कुल सीखने की जो इच्छा है ना बच्चे यही आपको बंदर से अलग करती है। ठीक है, यही आपको बंदर से अलग करती है, बिल्कुल सच्चाई है। और यह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन साहब ने बताया था। देखिए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन अपनी बुक का विमोचन कर रहे थे, ऑन द ऑरिजन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इनकी बुक का नाम था क्या? ऑन द ऑरिजन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, शॉर्ट में हम लोग ऑरिजन ऑफ स्पीसीज कह देते हैं। ठीक है, उसकी और उसी टाइम पर यह सब बातें उन्होंने बताया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया वाली कहानी आप लोगों को बताए थे। चलिए अगला, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन ऐप, इनमें से कौन सा ऐप नहीं है? गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर या आपका अगला है आपका ओरंगटन, बताएं। ट्राई टू आंसर इन 20 सेकंड। यस बताइए भाई, 40 लोग हुए हैं बच्चों, एक बार लाइक शेयर और होना चाहिए यार, है ना, ताकि आप लोग और कुछ बढ़ सकें। आगे बढ़ाओ भाई थोड़ा। चलिए ओके अब देखा जाए, आगे को बढ़ते हैं और आंसर। यस सिंचैन ठीक है, तृप्ति जी ओके गुड, तृप्ति गुड गुड वर्डन। निशा करेक्ट आंसर क्या है सर? लंगूर, लंगूर। याद रखिए इसके सिवाय देखिए ऐप में क्या होता है ना, ऐप में ऐप नहीं है, कभी कहो व्हाट्सएप टेलीग्राम ऐप है ना। ऐप क्या होते हैं? वो सारे ऑर्गेनिज्म जो आपके चिंपांजी के डिसेंडेंट हैं बट विदाउट अ टेल, पूंछ के बिना, पूंछ के बिना वाले। ठीक है, तो देखिए इन सब में पूंछ नहीं होती है बच्चे, सब में पूंछ नहीं होती है, बट लंगूर में आप जानते हैं, येलो बना दो पूछ है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्मॉलेस्ट मेल लाइक एप इज, जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है? गिब्बन, चिंपांजी, गोरिल्ला या फिर ऑर्गेंटम, बताएं। ट्राई टू आंसर फास्ट। ब्रजेश साहब यस ओके गुड गुड गुड। चलो भाई जल्दी जल्दी जरा बढ़ जाए आगे और थोड़ा लाइक वाइक शेयर वेयर कर दें लुडू। चलिए सर देखा जाए आंसर क्या होना है। बढ़िए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल गिबन, गिबन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, स्मॉलेस्ट मैन लाइक ऐप है गिबन आपका। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल होप्स आर नॉट फाउंड, यानी इनमें से किसमें खुर नहीं पाया जाता है, किसमें खुर नहीं पाया जाता है बच्चों, आपको यह बताना है। डियर, जैकॉल, जैबरा, हॉर्स। ट्राई टू आंसर और बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा और लाइक वाइक शेयर वेयर यार करते रहना है ना। चलिए आंसर पर बढ़ा जाए सर। हाँ अच्छा 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 ठीक है ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए किसके पास आपका खुर नहीं है, तो बिल्कुल जैकल का खुर नहीं होता, बोलते हैं ना जो जैकल है बहुत चतुराई से आती है। ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्स्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन, कौन सा सबमर्स्ड ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, ट्राई टू आंसर विद इन 20 सेकंड यार, जल्दी जल्दी से बस, है ना, यस जल्दी जल्दी बताइएगा। चलो भाई देखा जाए, ओके ठीक है, निशा स्वर्णिमान निशा जी ओके, बढ़ते हैं भाई 40 लोग तब आप लोग पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा और इसको पुश लगाएंगे तो बच्चे और अच्छा खासा आपका ये सेशन हो सकता है। देखिए सोनार इज द करेक्ट आंसर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द सबमर्स्ड ऑब्जेक्ट, ये आप लोगों को काफी बार पढ़ाया है कि सर सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके द्वारा आप क्या करते हैं ना डेप्थ का पता लगाते हैं, आप जानते हैं ठीक है कि जहाज पर मान लो अपना सिंचेन जा रहा है, ये इधर टाइटेनिक टाइप बनाने के लिए जा रहे हैं, है ना, इधर को बर्फ है कुछ, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा इसकी जो डेप्थ को पता किया जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वो जाता है स्ट्राइक करता है और इसके वाइब्रेशंस को कैच किया जाता है, इससे हम लोग पता लगाते हैं कितने टाइम में गया, उससे हम लोग डिस्टेंस का पता लगाते हैं डी इक्वल्स टू वी टी का फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है बच्चे आपका सोनार, द एपरेटस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, पहला ऑप्शन है क्रोनोमीटर, दूसरा एनीमोमीटर, तीसरा ऑडियो फोन, चौथा ऑडियोमीटर, ट्राई टू आंसर बच्चों, यस और जितने भी लोग लाइव हैं यार 39-40 लोग हैं, एक बार लाइक वाइक थोड़ा सा कर डालो भाई, 32 अभी लाइक है, थोड़ा लाइक वाइक बढ़ाओ, 5 सेकंड का टाइम लगता है, बाकी हमें पता है आप सब हमारे धुरंधर लोग हैं, बहुत मेहनत करेंगे। चलिए ओके समीना जी, यस ओके ठीक है, चांदनी जी, स्वर्ण वर्षा ओके ठीक है, बढ़ते हैं बच्चे और करेक्ट आंसर क्या है इसका, बिल्कुल सही, तो करेक्ट आंसर है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर आपको याद रखना है, ऑडियोमीटर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एनीमोमीटर किस लिए यूज होता है जरा बताओगे कमेंट सेक्शन में, फटाफट से बताना जब तक आपके लिए अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, विंड की वेलोसिटी किसके द्वारा मेजर की जाती है बच्चों, ऑप्शन है आपके बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वेन, बताएं। 43 तक पहुंचे भाई, थोड़ा सा और आप लोग थोड़ा जोर लगाइए और ट्राई टू आंसर बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, याद रखिए जब भी वर्ड आ जाए विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर, और ये काफी बार ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के आए हुए हैं, ये याद रखिएगा ठीक है। सो एनीमोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ओके। राकेश जी कहे सर करंट, करंट के लिए बच्चे आपका एमीटर होता है, ठीक है राकेश जी, थोड़ा सा अंतर है ध्यान रखिएगा वर्ड में, एमीटर है वो करंट के लिए जो आप बता रहे हैं ना, ठीक है करंट के लिए बच्चे आपका एमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, और इस क्वेश्चन से आपको काफी नॉलेज भी मिल सकती है, चाहे आप गलत करें या सही इससे नॉलेज जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। एनीमोमीटर, विंड स्पीड, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट, है ना, थर्चोमीटर प्रेशर डिफरेंस, या पारोमीटर हाई टेम्परेचर, ट्राई टू आंसर, यस। और भाई साहब थोड़ा सा यार मतलब पढ़ने वालों की एकदम कमी होती जा रही है क्या, जब तक लाइक शेयर ना किया जाए जब तक ये लोग सोचते कि आएंगे नहीं सर कुछ कर लो, लेकिन एक बात बताओ यार ऐसे में मजा नहीं है ना, पढ़ने वाले बच्चे को होना जरूरी है। चलिए आइए आंसर को करा जाए, ओके निशा ठीक है ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल, थर्चोमीटर, आप बता सकते हैं थर्चोमीटर किसके लिए यूज होता है, ठीक है बताएंगे, ट्राई टू आंसर बिल्कुल, एनीमोमीटर, विंड स्पीड अभी बताया, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, पारोमीटर हाई टेम्परेचर, तो भाई थर्चोमीटर किसके लिए होता है जरा आंसर करिएगा, और जब तक आप आंसर करेंगे आपका अगला क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस, है ना, हाँ नहीं नहीं वो सोते ही रह जाते हैं निशा, ठीक है सो गए होंगे, देखिए एक बात बताएं जब आप चीजों को फॉलो नहीं कर पाते ना, सच्चाई बता रहे बच्चों, ये हम हमेशा जैसे पेट बैच में भी आप लोगों को हम कई बार ये बोलते हैं, चाहे तो मेहनत करिए या छोड़ दो, वो बीच वाली लाइन पर मत रहो कि सर कर भी रहे हैं धक्का भी लगा रहे हैं लग भी नहीं रहा धक्का, वो मत करो,
एकदम छोड़ दो यार, पढ़ ही नहीं सकते छोड़ दो, ठीक है, या नहीं तो फिर मेहनत करो। दो ही चीज हो सकती है, तीसरी बीच में लटकने वाला काम ना करिए। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन सॉल एस या वाटर। सो करेक्ट आंसर क्या है भाई? बिल्कुल सही, यस। निशा गुड, स्वर्ण वर्षा, प्रिंसी जी, विजया लक्ष्मी जी, जयंती जी गुड, अनन्या या सोनम जी बहुत सही, वाटर वाटर वाटर। तो याद रखिए वाटर इससे बनता है, एकदम करेक्ट है भाई। 40 लोग लाइव हैं, थोड़ा लाइक वाइक बढ़ा डालो यार, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेस मिनिमम एयर पॉल्यूशन, कौन सा मिनिमम एयर पॉल्यूशन कॉज करता है? आंसर है आपका, ऑप्शन है केरोसिन, हाइड्रोजन, कोल या डीजल। यस, ऋषभ कुमार ओके, पुई पुई ठीक है, निशा जी ठीक है, ठीक है भाई, अभिज्ञान साहब ओके, स्वर्णिमा सिंचैन, राजीव जी, देखिए करेक्ट आंसर क्या है यार, स्वर्ण वर्षा गुड। देखिए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल होने के कारण ही, आपको बताएं बच्चों कि जो अपना आइटर है ना, आइटर आपको याद रखना, यस प्रशांत गुड, आइटर है ना, आइटर जो रिसर्च कर रहा है। देखिए आपको बताएं, वैसे हम लोग यदि कहें तो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से ऑलरेडी एनर्जी बना रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अभी भी न्यूक्लियर एनर्जी से, है ना, न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन से हम लोग अभी भी एनर्जी बना रहे हैं, है ना, न्यूक्लियर फिजन से हम लोग अभी भी एनर्जी बना रहे हैं, हिंदी में कहें तो नाभिकीय विखंडन से हम लोग अभी भी एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वर्क चल रहा है सर आइटर के अंतर्गत, क्या आर्टिफिशियल सन, आपने सुना होगा ना ये कॉन्सेप्ट, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन वर्क करेगा ना, फ्यूजन वर्क करेगा। अब यहां पर पॉइंट क्या आता है सर, जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा ना, तो उससे जो आपकी एनर्जी बनेगी वो क्या होगी, वो आप समझिए एकदम प्योर फॉर्म होगी। इसलिए उसके ऊपर देखिए इससे भी कचरा निकलता है, आप सब जानते हैं कुडान कुलाम का जब हमारा प्रोजेक्ट बना था 2012 में, कुडान कुलाम का जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, तो हमारे जो थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, उनको काफी इसके खिलाफत झेलनी पड़ी थी वहां के लोगों का, क्योंकि वहां के लोगों का कहना था कि इससे न्यूक्लियर वेस्ट जो रिलीज होगा वो कहां फेंकोगे, ठीक है। खैर उन्होंने बहुत अच्छा सा एक भाषण दिया था कि जितना आप सोचते भारत के लिए उतना हम भी सोचते, इस तरह का बहुत एक इमोशनल उन्होंने भाषण दिया था। खैर तो इसका वेस्ट भी है, लेकिन बच्चे फ्यूजन का कोई वेस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोग हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और यदि यदि हम लोग हाइड्रोजन से एनर्जी बनाने लग गए तो वह दिन दूर नहीं जबकि हम लोगों को एनर्जी डिपेंडेंसी के लिए कहीं और किसी भी चीज पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स मूव अगला। हैवी वाटर इज अ टाइप ऑफ, हैवी वाटर क्या है आपको यह बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका कूलेंट, मॉडरेटर और फ्यूल, ट्राई टू आंसर। यस, 43 लोग लाइव है यार, थोड़ा सा बढ़ाइए। सिंचैन का है सर, नदीम नहीं दिख रहा है, नदीम का एग्जाम था वो नासिक 23 तारीख को, उसका एग्जाम था ना 22-23, कब है 23, अच्छा कल है 23, हां तो 23 को शायद उसका एग्जाम है, ठीक है 23 या 22 को कुछ एग्जाम है उसका। और भाई जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं वो थोड़ा सा लाइक वाइक शेयर वेयर कर लो यार, 46 लोग हैं, थोड़ा लाइक वाइक बढ़ाओ भाई। चलिए, मॉडरेटर कोई कूलेंट, कोई मॉडरेटर कोई कूलेंट, बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत है भैया, सुन लो काहे, क्वेश्चन का आंसर यदि बीपीएससी में आ जाए ना तो नन ऑफ द वो मोर देन वन होगा। क्यों? देखिए ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। हैवी वाटर जो है ना, जिसको हम लोग G2O कहते हैं ना, हैवी वाटर, ये बच्चे आपका कूलेंट की तरह भी यूज करता है, कूलेंट की तरह भी, कूल डाउन करने वाले के रूप में भी, एंड मॉडरेटर टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, उसको भी करता है, यानी दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूं। देखिए जब इस क्वेश्चन को आता है आपके एग्जाम में तो बहुत गड़बड़ होती है, ठीक है आशीष गोला जी। हाँ तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा निशा? निशा आंसर ये होगा कि बोथ, क्योंकि आप यदि बीपीएससी में जाएंगे तो नन ऑफ द अबव मोर देन वन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलो भाई ऐसे क्वेश्चनों को भी जानना चाहिए ना, समझ रहे हो, ठीक। अगले पर बढ़ो। द सब्सटेंस यूज्ड एज मॉडरेटर, देखो अगला क्वेश्चन आ गया ना, सब्सटेंस यूज्ड एज मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ, है ना, ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर, लिक्विड अमोनिया या लिक्विड हाइड्रोजन, ट्राई टू आंसर बच्चों। और यार क्वेश्चन से यहां मैं बस कोशिश करता हूं आपको समझाने की। यस प्रशांत गुड, चलिए बताइए, बिल्कुल स्वर्ण वर्षा, निशा यस, सोनम ठाकुर, अनन्या जी, समीना जी बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, सोनाली द वंडर सीकर, सोनाली गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। सो हैवी वाटर अभी हम लोगों ने पढ़ाई है, स्वर्णिमा गुड, प्रशांत, निशा, प्रिंसी, मेघा जी, तृप्ति जी गुड,
बढ़िए, अ सिंपल मशीन हेल्प अ पर्सन इन डूइंग, देखिए इसका हिंदी भी रूपांतरण यहाँ नीचे लिखा हुआ है। सिंपल मशीन क्या करता है, लेस वर्क करता है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद अ लेसर फोर्स, सेम अमाउंट वर्क विद स्लोली, द सेम अमाउंट वर्क मच फास्टर, ट्राई टू आंसर इट। यस, हाँ जब ही तो भूलने ना भूलने वाला ही तो क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं ना निशा लाया जाए, बहुत छाटना पड़ता है, सच्चाई बताएं, ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन को उठाकर ला सकते हैं, लेकिन नहीं, क्वेश्चन करते हैं कोशिश कि ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन लाए जाएं जिससे बच्चे को आगे एग्जाम के लिए तैयार कर सके। चलिए ओके, सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद अ लेसर फोर्स, यस गुड गुड, बट कुछ बच्चों का ऑप्शन डी आ रहा है, डी आ रहा है, नो नो डी नहीं है बच्चे, सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर, हाँ सेम अमाउंट वर्क विद लेसर फोर्स, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है ऑप्शन नंबर बी, यस निशा और जितने लोगों का ऑप्शन बी आया है करेक्ट है बच्चों, ठीक है ओके, यस स्वर्ण वर्षा गुड, सो ऑप्शन नंबर बी क्यों सर, देखिए जो सिंपल मशीन होता है ना वो किसी भी काम को आपको कम से कम पावर के साथ, ठीक आपको करने पर मतलब कम से कम फोर्स लगाकर आप उसको कर सकते हैं। So, अगला क्वेश्चन, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस इफ इट हिनेल डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस, हिंदी में कहें एक आदमी संवेदनशील संतुलन पर खड़ा है, यदि वह सांस लेता है तो संतुलन का क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनएफेक्टेड, या मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, यस यस अभिज्ञान, न्यूक्लियर फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर, ये बहुत पहले करंट अफेयर में पढ़ाया था हमने, लगभग 5-6 महीने पहले ही, ठीक है ये बहुत पहले का करंट अफेयर है कि रसिया बना चुका था ये। चलिए ओके ठीक है, इसमें बताइए किसका क्या आ रहा है, तो अनन्या जी ऑप्शन नंबर ए, निशा इंक्रीज हो जाएगा सर, ओके 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 ठीक है, स्वर्णिमा ऑप्शन सी ठीक है, ए बी सी तीनों ऑप्शन मिल चुके हैं हमें, ठीक है अब आइए जरा ऑप्शन नंबर डी किसी ने नहीं बताया क्योंकि वो लंबा चौड़ा लग रहा है ना, करेक्ट आंसर क्या है सर, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण वर्षा तुम्हारा आंसर नहीं दिखा हमें इस क्वेश्चन में भाई, हाँ अनुभूति गलत है, देखिए क्या है जब आप एक बैलेंस पर हैं ठीक है और इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करने का मतलब क्या होता है, आपको लग रहा है इनहेल करेगा तो वो क्या होगा बढ़ जाएगा बट नो बढ़ेगा नहीं, जैसे इनहेल करता है ठीक है, इनहेल करता है, देखो एक चीज समझना, मान लो आप इस पर है, जब आप इनहेल करते हैं ना तो उस केस में आपका क्या होता है, बैलेंस जो है वो ऊपर की ओर जाता है ठीक है, बैलेंस ऊपर की ओर जाता है, दैट्स व्हाई क्योंकि डायफ्राम का वर्क है ना यहां पर ठीक है, सब कुछ को रिलेट करने की कोशिश करिए, डिक्रीज विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है। चलिए अगला, विद फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या कहेंगे, वेलोसिटी एक्सीलरेशन मास या फोर्स, ट्राई टू आंसर बच्चों विद इन 20 सेकंड। चलिए ओके सिंचैन, ओके भाई अनन्या जी अभिज्ञान साहब, देखिए बहुत सिंपल है ना यार, मोमेंटम यानी संवेग, तो बच्चे संवेग कहें या मोमेंटम कहें दोनों का फॉर्मूला होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर होता है एमवी है ना, एंड वेलोसिटी को यदि डिवाइड कर दें भैया, वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चे आपका मास, बिल्कुल प्रशांत गुड, ऑप्शन नंबर सी, जिन भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है भाई, थोड़ा सा और जोर लगाओ यार, 40-44-47 लोग तक पहुंचकर उसके बाद एकदम से अटक जाते हैं आप लोग ना, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स किसका प्रोडक्ट होता है, ऑप्शन है मास एंड वेलोसिटी, मास एंड एक्सेलरेशन, ट्राई टू आंसर यार बताइए, लक्ष्मी जी, अच्छा लक्ष्मी वो आप वही है ना बीपीएससी बैच में, हाँ गुड अब ध्यान आ गया मुझे ठीक है, लक्ष्मी ऑप्शन नंबर उसका था सी वाला ठीक है ओके okay. चलिए अब बढ़ते हैं इस पर, यस अभिज्ञान बिल्कुल, स्वर्णिमा लक्ष्मी जी ठीक है, स्वर्ण वर्षा निशा गुड, बढ़ा जाए आंसर पर सर कि क्या है, फोर्स क्या होता है, तो देखिए सर जो बल होता है, फोर्स जो होता है, फोर्स आपको याद रखना है ठीक, अब जानते हैं कि भाई ये क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन होता है, आप सभी जानते हैं मास इंटू एक्सिलरेशन, तो यहां पर एक पॉइंट याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये भी क्वेश्चन में एक बार लिखा हुआ आया है, डॉट प्रोडक्ट, देखिए दो तरह का प्रोडक्ट होता है बच्चों साइंस में ना, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट, यदि डॉट प्रोडक्ट लिखा है तो जब इस डॉट को हटाएंगे ना तो एम ए कॉस थीटा लिखा जाएगा ठीक है, लेकिन यदि किसी भी चीज में क्रॉस प्रोडक्ट लगा है तो क्रॉस प्रोडक्ट को हटाकर आपका साइन थीटा बनता है ठीक है, तो ध्यान रखिए एम
ए कॉस थीटा ये आपका बनेगा, यानी कि सर मास और एक्सीलरेशन का ये प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके ऊपर फालतू फालतू चीजें यदि हम बनाने लगे कि भाई इसका यूनिट होता है न्यूटन, इसका फलाना ढिकाना, वो सब फिर अगला क्वेश्चन अटका देता है, ठीक है। इसलिए बस सीधे क्वेश्चन पर आओ। अगला, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डिवराइस, चार्ल्स डार्विन या आपका थॉमस हंट मॉर्गन। ट्राई टू आंसर इट, और ट्राई करिए बच्चे एक बार, लाइक वाइक शेयर वेयर करते रहिए। बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, गुड, वेल डन। बताइए बहुत बढ़िया निशा, एकदम जबरदस्त तुमने आंसर दिया है, तुमने जो आंसर दिया है बहुत जबरदस्त दिया है निशा, लेकिन आंसर गलत है बच्चे, गलत है, एक लाइन से सभी का गलत है। वही जो थोड़ा सा यार हमारी बातों को समझ रहे हैं उन लोगों का आंसर सही आया है, जैसे अनुभूति का सही है आंसर, ठीक है, अनुभूति का सही है, और गिनी चुने अनुभूति, स्वर्णिमा, विजया लक्ष्मी जी, बस ये तीन लोगों का हमें आंसर दिख रहा है सही है, बाकी हमारे निशा तो मेंडल मेंडल पता नहीं कितने बार मेंडल। बच्चे गलत है, करेक्ट आंसर है थॉमस हंट मॉर्गन। थोड़ा सा यार आपने वो जो बुक पढ़ा है ना निशा, मैं बताता हूं पेज नंबर 346 पर है ये, जिस बुक में से तुम देख रहे हो, ठीक है निशा, 346 पर पहला ही क्वेश्चन है ना, इधर को ठीक, आप यदि उसमें देखेंगे ना तो उसमें आंसर दे रखा है ग्रेगर जॉन मेंडल, इसीलिए तो हम ढूंढ कर लाए हैं, क्योंकि वहां गलत है, ठीक है, क्योंकि वहां गलत है। बच्चे ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ठीक, ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, इसने आपका मटर के प्लांट पर रिसर्च किया था, इसके उस टाइम पर किसी को पता ही नहीं चला था, बाद में इसके वर्क को ना 1901 में, याद रखिएगा, रीडिस्कवर किया था किसने, तीन साइंटिस्ट ने, एक था ह्यूगो डिवराइस, दूसरा था कार्ल कोरेन और तीसरा था टसर मार्क, इन तीनों ने रीडिस्कवर किया था, इसके बाद आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा। बट फादर ऑफ जब मॉडर्न जेनेटिक्स लगा रहे, याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है, थॉमस हंट मॉर्गन। वाई सर? क्योंकि ये याद रखिए, इसने अपना वो होती है ना फ्रूट फ्लाई, बच्चे फ्रूट फ्लाई जो मक्खी भिनभिनाती है ना आम वाम के सीजन में, बड़ी सी लाल कलर वो मक्खी जो होती है, उसके आंख में झांको तो लाल कलर की उसकी आंख आपको दिखेगी, उसको बोलते हैं बच्चे, उस मक्खी को बोला जाता है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ये खुद में क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला मेलेनोजॉस्टर, मेलेनोजॉस्टर, ओके, इसके कारण इसको ड्रोसोफिला मेलेनोजॉस्टर पर इतना रिसर्च किया, समझिए उसका क्रोमोजोम व्रोमोजोम सब निकाल कर रख दिया, चार क्रोमोजोम होता है ड्रोसोफिला मेलेनोजॉस्टर में, याद रखिएगा। इसके बाद इसको कहा गया थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ध्यान रखिए, है ना, ओके। निशा जी क्या कहे सर, आप बेइज्जती भी कितनी सही करते, नहीं नहीं बेइज्जती नहीं करते बच्चे, पहले तुम्हें पता है कि हमारी क्लास में बेइज्जत इज्जत किसी को मानना ही नहीं है, बस बाहुबली बनना है आप लोगों को, मतलब सिलेक्शन लेना है। चलिए अगले पार्ट पर, द क्लासिकल मेंडल वर्क ऑन हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज परफॉर्म्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म, ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी या स्वीट पी। ट्राई टू आंसर, यस, देखिए जैसे डिटेल शुरू होती है, अभियान कहे सर पेज नंबर याद कर रखे हैं सर 346, भाई हमें पता, कोशिश यही रखते हैं अभियान कि जिसको पढ़ा जाए उसको पूरा रट लिया जाए, रट लिया जाए मतलब, क्योंकि यही काम ही है ना भाई, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, आप लोग पेज ना रटे, आप लोग आंसर को बस रटिए। चलिए अगले पार्ट पर, द क्लासिकल मेंडल वर्क ऑन हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज परफॉर्म ऑन द ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा गार्डन पी, ठीक है गार्डन पी, ठीक। अब दो तीन बातें यहां से याद रखिएगा कि सर गार्डन पी का नाम जो है पाइसम सेटावम, ये तो आपको कई बार बता रखे, ठीक है, और भाई ड्रोसोफिला पर, ड्रोसोफिला मेलेनोजॉस्टर पर किसने रिसर्च किया था, आपका थॉमस हंट मॉर्गन, है ना, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था। स्नैपड्रैगन क्या है ना, स्नैपड्रैगन में बच्चे आपको बताएं, इसमें ना ये यहां पर आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस पता किया गया था, जेनेटिक्स जब आपको पढ़ाएंगे बाहुबली में वहां पर आपको बताएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें मिला है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल और है आपका, जिसको बोलते हैं फोर ओ क्लॉक प्लांट, यानी मिराबिलिस जलापा, ठीक है, वो सब जानेंगे अभी छोड़िए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, मेंडल का जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है वो किस पर बेस्ड है। ऑप्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर, यस, कोई बात नहीं निशा, अभी पढ़ लो।
जल्दी जल्दी यार, मतलब एक चीज हम देख रहे हैं कि जैसे ही थ्योरेटिकल थोड़ा सा बताते हैं गायब होना शुरू। थोड़ा भाई लाइक वाइक शेयर वेयर कर डालो, है ना, ठीक है। 46 से पहुंच जाते 36, क्योंकि लगता है कि सर ये हमारे काम की चीज ही नहीं है। हाँ ठीक है, यस अनुभूति गुड, अनन्या गुड, निशा स्वर्णिमा सुमन जी मनीषा जी ठीक है, अनन्या जी ठीक, ओके सोनाली ठीक गुड है, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, मेंडल का वर्क जो है वो आपको बच्चे याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, 33 पहुंच गए और घट जाओ, मतलब एकदम कहो कि सर पढ़ना ही नहीं है आज। चलिए, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या कहलाता है, क्रोमोसोम डीएनए जीन या न्यूक्लियस, ट्राई टू आंसर। यस चलो बताओ जल्दी जल्दी। ओ भाई थोड़ा लाइक वाइक करते रहो यार, तुम लोग लाइक वाइक नहीं कर रहे हो। चलिए सर बढ़ा जाए, देखा जाए अगले पार्ट को, ठीक है ओके। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं भाई वो थोड़ा लाइक वाइक करते रहना। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का यूनिट क्या है बच्चे, जीन, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आप सब जानते हैं कि सर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर यदि आप खोल कर देखेंगे क्रोमोसोम के अंदर आपको कुछ चीजें दिखती हैं, है ना। क्रोमोसोम के अंदर आप जानते हैं ये डीएनए है, एंड डीएनए का एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन, ठीक है, जीन आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हेरिडिटी सिम्टम आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट इज क्रिएटर्स बाय, यानी ऑफ क्रिएटर्स बाय, क्रिएटर है, राइबोसोम से जाता है या क्रोमोसोम से जाता है या प्लाज्मा या लाइसोसोम, ट्राई टू आंसर इन 20 सेकंड बच्चों। यस, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्यारे भाई एक बार लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा सेशन को, है ना। बताओ भाई बताओ बताओ जल्दी जल्दी। चलिए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बिल्कुल सही, क्रोमोसोम इज द करेक्ट आंसर, क्रोमोसोम, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आनुवांशिक गुणों को कौन लेकर जाता है, गुणसूत्र आपका क्रोमोसोम। और याद रखिएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हमने आज एक क्वेश्चन पूछा होगा आपसे, याद रखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ना वो सटन एंड बॉवरी के द्वारा दिया गया था, सटन एस सटन एंड बॉवरी के द्वारा दिया गया था बच्चों, ठीक है ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द सॉफ्टेस्ट मिनरल टॉक इज मेनली, क्या है ये आपका टॉक, क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट, ट्राई टू आंसर। यस बताएं, ट्राई टू आंसर। चलिए बताइए, यस ओके। देखिए बिल्कुल बिल्कुल इसका सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सोडियम सिलिकेट इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट है तो इसमें कुछ सोचना नहीं है बच्चे। बढ़िया, अगला, केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फाइड, ट्राई टू आंसर इट। मानेर क्लासेस, गुड इवनिंग भाई। चलिए जितने भी लोग जुड़ते चल रहे हैं यार लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा सेशन को ना, और बढ़ा जाए आंसर पर। देखिए आंसर क्या है, यस अभिज्ञान, ओके सांभवी निशा, ठीक है स्मिता जी। चलिए बढ़ते हैं ओके आंसर पर। सर केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन आप सभी जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले पॉइंट पर, केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्सलेट, ट्राई टू आंसर विद इन 20 सेकंड बच्चों। यस बताइएगा जल्दी जल्दी से जरा,
मेरा नाम नहीं लोगे सराज। अरे लक्ष्मी जी आपका नाम ले रहे हैं बच्चे। जब लंबा सा लिखते हैं ना, जब आप देखिए अंशु जी ने ऑप्शन इतना छोटा सा लिखा है ना ए, वो नहीं पता चलता है। ठीक है, सभी लोग हमारे बहुत ही सुपरस्टार हैं। ठीक है लक्ष्मी जी, और जिस चीज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बीपीएससी, उसके लिए काफी सारे लोग ऑलरेडी आपके ही साथ ठीक है पढ़ रहे हैं, वो भी इस बार देंगे, पिछले बार का भी मेंस दिए हैं। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करो, ये सब ना सोचो, नाम वाम जिसका दिमाग में आ जाता है उसका नाम ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और हमारे हमें पता है कि फिक्स स्टूडेंट भी है, ये आते हैं मेहनत करने के लिए, इसलिए नाम वाम मत सोचा करो। प्लास्टर ऑफ पेरिस सर क्या है? CaSO4 H2O, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपका, ठीक है, टूटी हड्डियों को जोड़ दे, कोई फिक्स नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो कैल्शियम सल्फेट, पूरा नाम इसका क्या है सर? पूरा नाम है कैल्शियम सल्फेट, और आधे का मतलब होता है हेमी, यदि पूरा कहना नाम इसका। सो कैल्शियम सल्फेट, ओके, CaSO4 का तो यहां फुल फॉर्म लिखी दिया है कैल्शियम सल्फेट, आगे बच्चे हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, ओके, ये याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, हेमी हाइड्रेट को क्यों मिस किया गया है सर? बच्चे वो पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, अभिज्ञान, और कई बार ना पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि आपका वो पेशेंस लेवल भी देखते हैं ना, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ये तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होना था। ठीक है, तो आपको अच्छे से मार्क करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, माइका एसा, माइका क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगला है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, और चौथा है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्राई टू आंसर। यस, चलिए 44 तक फिर से पहुंचे थोड़ा और। हाँ, निशा का उल्लू बनाने के लिए ऐसा ऑप्शन देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलिए बढ़ा जाए बच्चों। जयंती जी या सामवी, ठीक है, प्रशांत साहब, समीना जी, ठीक है, चांदनी, ओके, स्टूडियो आरके, ओके, अनुभूति, ठीक है, बिल्कुल सही, देखिए करेक्ट आंसर क्या है, अनुभूति, वेल डन। और निशा तो पूरा पूरा आंसर ही लिखती रहती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कल प्रशांत ने ये तुमसे पूछा था कि इतनी जल्दी करते कैसे हो तुम, मुझे लगता है गूगल करते होगे, गूगल पर वो हेलो गूगल टाइप का करके स्पीकर पे करके कॉपी पेस्ट फटाफट, है ना निशा। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप सबको याद रखना है, आंसर करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर, द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या नन ऑफ द अबव, राइट आंसर। यस, मानेर क्लासेस, भाई मानेर क्लासेस का लिख रहे हो, तुम्हारा आंसर ही एकदम गायब दिख रहा है हमें। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक, आंसर पर बढ़ते हैं। देखिए सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, देखिए इस पे कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो खैर करेक्ट आंसर तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर बच्चों, ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा कि सिर्फ इसी में यूज नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगेशन का सिर्फ इसी में यूज नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ आपको याद रखना है, इसके साथ साथ इसका यूज एक और जगह पर होता है, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन जो बना होता है ना, आप सब जानते हैं प्रोटीन किससे बना होता है सर, अमीनो अम्ल से बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है, अमीनो एसिड, और सबसे बेसिक अमीनो एसिड आप सबको बताए हैं, ठीक। हाँ अच्छा, निशा कहे सर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं सर, हम डायरेक्ट टाइप करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया निशा, गुड, अभी आंसर तो सुन लो जरा, प्रोटीन भाई बना होता है अमीनो एसिड से ना, तो अमीनो एसिड जो है ना, टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड है आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में, इस 20 के 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड को बच्चे आप जो सेपरेट करते हैं, इसको भी आप करते हैं किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिए, कुछ टेक्निक आपको याद रखनी होती है क्योंकि वो बार बार आपका पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहां पर जो आप देख रहे हैं सर कोहेसिव फोर्स,
एक होता है कोहिसिव फोर्स, एक होता है एडिसिव फोर्स। कोहिसिव फोर्स किन में लगता है, एडिसिव फोर्स किन में लगता है, आप बताएंगे। जैसे कि चलिए आंसर करिएगा, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी सरफेस है ना, सरफेस पर यदि आप पानी को गिराते हैं तो वो फ्लो कर जाती है, ठीक है। लेकिन यदि इसी सतह पर आप मरकरी को डालते हैं तो मरकरी ऐसा यहां पर बैठकर ऐसा सर्कल सा बना लेती है, इसका क्या कारण होता है, ठीक है, आपका क्या कारण होता है यह आपको बताना है, ठीक है, ओके। और ग्लाइसिन सबसे बेसिक अमीनो एसिड है, वो जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है, ठीक है बच्चे। कोहेसिव फोर्स ध्यान रखिएगा, सेम टाइप के मॉलिक्यूल में, सेम टाइप के मॉलिक्यूल में आपका कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में लगता है। जैसे ग्लास ऑफ वाटर यदि है तो पानी, पानी और इसके बीच, ग्लास के बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज एडहेसिव, एडहेसिव चिपक रहा है, एडहेसिव मतलब चिपकने वाला, ठीक है। कोहेसिव सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। कोहेसिव मतलब अट्रैक्टिव विद इन द मॉलिक्यूल एंड एडहेसिव मतलब बिटवीन द, ठीक है, ये याद रखिएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी तो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे। बाहुबली आपका बैच आ चुका है प्यारे बच्चों, और याद रखिएगा सभी लोग, एक एक स्टूडेंट जिसको भी ये लग रहा है कि सर ये सब्जेक्ट रह रहा है, वो सब्जेक्ट रह रहा है, वो भाई बाहुबली को कर लो, सबसे सुपर। उसके सिवाय आप MPPCS के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, इसके लिए भी बच्चे आपका वही सेम कोड क्या है सर, Y260 कोड है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, बायलिंगुअल बैच है। और भाई आपका बिहार PCS को भी अलग से आपका टारगेट करके बनाया गया है, इसके लिए भी बच्चे आप Y260 कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बायलिंगुअल बैच है। या किसी का भी महापैक भी आप ले सकते हैं Y260 कोड से, ये सब आपका EMI पर भी अवेलेबल होता है। अब आइए सर आज के बारे में देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर आपको ये याद रखना है, ये सब तो ठीक है लेकिन उसके बाद भाई सबसे पहले बाहुबली ये ध्यान रखिएगा, किन किन एग्जाम को अभी आप टारगेट कर सकते हैं, जिसमें भी GS है वो सब में आपका बाहुबली आपका वाकई बहुत जेन्युइनली हेल्प करेगा बच्चों, ये याद रखिए। जो पहले कर चुके हैं बाहुबली को उनको तो करना ही है, वो भी करना है क्योंकि एक रिवीजन होगा, ठीक है, और जो नहीं किए हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा, ठीक है, ओके, यस यस निशा। और शुरुआती दौर में हमारे करेंट अफेयर रेगुलर चलता है, चलेगा बच्चे, देखो 2 घंटे का सेशन है ना, 10 मिनट हर दिन करेंट अफेयर रहेगा, 10 दिन हर दिन करेंट अफेयर रहेगा, ये याद रखिएगा, उसके बाद आगे सेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब आज के लिए जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताना है, क्या है सर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। यदि चलो पहले तो ये बताओ, जो प्रोटीन बने होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से, है ना, इसके लिए एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड होता है, किस बॉन्ड से वो मिलकर बने होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए थैंक यू आज के लिए, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। पूरा GS है समीना जी, पूरा GS शुरुआत है हिस्ट्री और साइंस से, ये मत समझिएगा कि सिर्फ हिस्ट्री और साइंस है, नहीं, हिस्ट्री और साइंस के 42 लेक्चर है, आप ये समझिए, तो मतलब इतना लेक्चर तो कभी पहले वाले बाहुबली में भी 42 लेक्चर हिस्ट्री के नहीं रहे, क्योंकि इस बार साउथ इंडिया हर चीज को इसमें कवर करने, मतलब इसके बाद हिस्ट्री कहीं और नहीं। चलिए ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली क्लास पर, धन्यवाद, 6 बजे कल मिलते हैं। और यार बताओ तो जाने का आंसर कर लिया करो आप लोग, है ना, वो जरूरी है।